नावी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? मैं तो फोन देख रहा हूँ। फोन में क्या देख रहे हो? कार वाला। कार वाला? हाँ। अच्छा, ये है कार वाला, ये रहा कार वाला, देखो पापा ये रहा। सही है भाई। और स्कूल नहीं जाना आज? जाना है। कब जाओगे? आज। किस टाइम? आज से जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ला लो फिर। नावी, स्टोर पे चले? चलो फिर, नहा तो लो फिर। आप नहीं चलते? क्यों? मैं नहीं चलता। ठीक है फिर, मैं जाऊं? छोटे बच्चे तो स्कूल में जाया करें। ठीक है फिर, मैं जाऊं? है ना भी, मैं जाऊं? हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और गौना के लिए निकल लिया भाई, अभी वहाँ आपको वेट करता मिलेगा वीर और निशु, तो अभी जाके उनसे मिलवाते हैं आपको। किसी ने मंडी में जाना हो, मंडी में ट्रक थोड़ी जाओ। अरे इतना तो सेटरिंग के बताओ, रुचा उठेगा बड़ा मुमकिन मुझे जाना। स्टोर पे पहुंच गए भाई, और अभी तो निशु मेरे से पहले आया हुआ था, तो अभी एक बार आप निशु से मिलवाते हैं आपको। ये देखो, ईयरफोन लगा के घूम रहे हैं सुबह सुबह सुबह, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो फिर आरती बजन तो बज रहेगा, पर इसके मेरे हिसाब से पॉप सॉन्ग बजे पाऊंगे। अभी चलो हम एक बार धूप बत्ती कर लेते हैं, भगवान जी को मना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है, ओके। तो भाई हम चल पड़े हैं, आज एक भाई है, मोबाइल की दुकान है, उससे थोड़े से पैसे लेकर आए हैं। कल वो भाई यार जिसका आईफोन दिलवाया था, उसका पहला फोन रिटर्न करवाया था, तो वो दूसरी जगह रिटर्न करवाया था, तो वहाँ से उससे पेमेंट लेनी है, तो एक बार पेमेंट उठा के लाते हैं। लो भाई पहुँच गए हैं भाई की शॉप पे। लो भाई हम वहाँ से निकल लिए, हमने वहाँ की वीडियो आपको इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि वहाँ थोड़ी सी फोन के इस चक्कर में थोड़ा सा इशू हो गया था। लो भाई, जो भाई आया हमारा छोटा भाई, फोन के कई दिन में आए, इसलिए हम कई दिन तक याद कर रहे थे, तो आए ना कॉलेज ने टाइम नहीं मिल रहा था, आज इसने बड़ी मुश्किल से टाइम का टाइम आया निकल रहा है। तो अभी हम भाई के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे जिम के बारे में, भाई ने हमारे साथ डिस्कस किया था। हाँ जिम में कब से स्टार्ट? हाँ अभी कह रहा था कि दोबारा जिम दोबारा कब से स्टार्ट करनी है। हाँ ठीक है, भाई ने वेट कम करना है, वेट मैंने भी कम करना है,
पर मेरा तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है ना कुछ डाइट करने और ना जिम, पर ये जिम से थोड़ी अपने शेप आ जाएगी, कटिंग आ जाएगी। और भाई ने करवाना है ब्याह यो इस चक्कर में जिम कर रहा है, ठीक है। हाँ तो भाई से भाई का ये बात थोड़ी बताने की जरूरत थी भाई, देखो सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए ना, या तो रुकिया नहीं करती। हाँ। दो दिन आगे पाचे फिर आओगी या ठीक नहीं आओगी तो चलो डिस्कस करते हैं भाई से कौन सी जिम ज्वाइन करनी है और टाइमिंग क्या रहेगी उसकी। चलो फिर बाकी टाइम फिक्स करके और जिम फिक्स करके कौन सी ज्वाइन करनी है फिर बताते हैं आपको, तब तक के लिए बाय। पहले तो 9 बजे जाए चलो शाम में, तो आप ही देखते हैं सुबह जाऊँगे या शाम जाऊँगे वो भाई के ऊपर डिपेंड है कि टाइमिंग क्या सेट करेंगे। सुबह चल रहा है शाम सुबह जाएगा, सुबह थोड़ी दिक्कत है इतनी जल्दी उठ नहीं जाता, हमने नींद ये दुख दिया थोड़ा सुबह नींद दुख कर रहा है। बाकी कोई नहीं एडजस्ट करेंगे उसमें भाई का कोई नुकसान का करना नहीं, एडजस्ट हो जाएगी। तो हमारी हो गई है फाइनल और अब ये लगे शुरुआत कब से करनी है थोड़े दिन रुक के फिर शुरुआत करनी है। थोड़े दिन मतलब ये लगा 10 दिन दे सकते हैं उसमें, 15 दिन दे सकते हैं, महीना के हंस के कुछ भी हंस के हाँ उसमें महीने में 5 लाख का है हमारे सूत्र आ गया अनुसार फाइनल हो गया, ठीक है। जम भी ज़्यादा बड़ा नहीं करते हम, एक दो महीने में फीस 6 महीने की भरते हैं, जाओ उसमें 1.5 महीना 2 महीना लालच को जी गिरा रहे, तो 6 महीने का थोड़ा लालच दे दे भाई, इसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट के चक्कर में 6 महीने की फीस भरते हैं, जाओगे उसमें रुपये में लास्ट 2 महीने मुश्किल से। तो बाकी देखते हैं अब की बार रूटीन क्या रहती है, कब तक की रहती है और कितने दिन जाओगे, अब फिर देखेंगे रिजल्ट। मेन बात तो नहीं हो रहा अब फिर भी वजन घटेगा कि नहीं घटेगा, पिछली बार 10 किलो वजन कम हो गया ना, महीने 1.5 महीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1.5 महीने में 10 किलो वजन ऑटोमेटिक कम होता आ जाता, कोई नहीं था भाई ज़्यादा डाइट कम करी थी कुछ कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी जब मैं जाऊँगी एक बार वीडियो जरूर करेंगे तब स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने पता लगना चाहिए ना भाई हमारी आज दिल फाइनल हुई है और जाना कब स्टार्ट है। तो क्या हाल है भाई, दोपहर में आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मीशो बैठा है बटन खोल गया बदमाश हो रहा पूरा, और साले लाइट नहीं आती घुमाने में। तो अरे एक बात तो देखिएगी कपिल भाई किधर है, अंदर भाई पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, आज लग रंगे हाथा पकड़े जाऊंगे। ये बैठे भाई क्या करने लग रहे हो भाई? भाई मैं कुछ काम लग रहा था, अर्जेंट काम है। फिर भी बता दे दो भाई, अभी नहीं बताना चाहता आपको, कुछ मतलब बढ़िया कंटेंट वो है काम है, और मैं आपको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ हमारे लिए। हाँ कुछ ऑर्डर कर रहे हो क्या? हाँ कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ ऑनलाइन, और आपको मैं अभी नहीं बताऊँगा कि ऑर्डर क्या कर रहा हूँ, उसका आपको सरप्राइज मिलेगा जब अपनी डिलीवरी आएगी, तो तभी देखना कि उसको क्या आया है। अच्छा ऐसे कितने दिन में आओगा? रुका है, वेट नहीं हो रहा हमारे भाई पे। भाई देखो सब्र तो करना पड़ेगा, अभी ये लगा लो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे इसमें, अभी ऑर्डर किया है
दो एक नंबर फर्स्ट क्लास आइटम मंगवाया है। ले भाई ने पता नहीं क्या मंगवा दिया, मेरे तो डटा ही जाओ दो तीन दिन तक। कल मैं सोच रहा था छुट्टी कर लूँ, पर मैं तो आऊँगा, ये देखो क्या बता कल आ जाओ। जो भी ऑर्डर करा है भाई ने, तो आप तभी दिखाओगे के ऑर्डर करा है भाई। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीर और नीशु को सरप्राइज इसलिए देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने उनको नहीं बताया है कि उसमें क्या है, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है कि उसमें क्या मंगवाया है, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए एक सस्पेंस बना के रखा हुआ है। और गाइज मैं अभी आपको भी नहीं बताऊंगा, तो गाइज गैस करो आप भी कि हमने उसमें क्या मंगवाया होगा। तो आप भी उसको बताइए कि हमने क्या ऐसा ऑर्डर किया है कि जो ना वीर को बताया है और ना ही नीशु को बताया है। तो आप भी सपोज करो और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने क्या ऑर्डर किया होगा। तो गाइज हम निकले हैं थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि पूरा दिन काम करके माइंड थोड़ा स्ट्रेस में हो जाता है। तो अभी भाई हम थोड़ा सा मतलब एंजॉय के लिए, घूमने फिरने के लिए, मार्केट का मज़ा लेने के लिए थोड़ा सा निकले थे। और एक तो शादी है गोहाना में ही, वहाँ थोड़ी हाजिरी लगा दें, तो सोचा भाई बरम भाई आ गया था स्टोर पे, तो भाई ने स्टोर पे छोड़ दें कि आप संभालो थोड़ी देर, और हम निकले हैं। तो अभी शादी में जा रहे भाई, ठीक है, और वीर है, वीर भैया अपने साथ हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं, ये आपको दिखा देते हैं, सेक्टर 7 की पार्किंग बोलते हैं गोहाना की इसको, ये देख लो आप। तो मिलते हैं दोस्तों, एक बार कन्यादान डाला हुआ है, ठीक है।